कटनी में एसडीएम कार्यालय बाबू के रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जहां जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने दबिश देते हुए बाबू को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। कटनी में जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने दबिश दी और एसडीएम कार्यालय के बाबू दिनेश खरे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है, बाबू ने जमीन के मामले को रफा दफा करने की एवज में आवेदक राजा राम से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और दूसरी किस्त के 5,000 रुपए लेते हुए बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लोकायुक्त पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। 10-12 साल पहले मेरी पत्नी उमा देवी ने संतोष कुमार साहू से लगभग 1 एकड़ जमीन खरीदी थी और जमीन के रजिस्ट्री में जैसी चौहद्दी लिखी थी वैसा नक्शा कटा हुआ है पटवारी के रिकॉर्ड में। संतोष साहू के परिवार वालों ने एसडीओ साहब के यहाँ अपील किया था इस नक्शे के खिलाफ, तो एसडीओ साहब ने तहसीलदार साहब को जांच में दिया, तो तहसीलदार पटवारी एसडीओ साहब बिजरावगढ़ ने उसको यथावत रखा कि ये नक्शा सही बना है रजिस्ट्री के अनुसार। एसडीओ के आदेश के विरुद्ध फिर राजा राम और मोहन लाल ने 2 प्रकरण हैं अपर कलेक्टर महोदय कटनी के यहाँ शिकायत किया, तो उस शिकायत उस अपील को खारिज करने के लिए दिनेश खरे जो उनका रीडर है अपर कलेक्टर का, वो रुपयों की मांग कर रहा था। वो 10,000 मांग रहा था, 5,000 रुपये प्रति केस, फिर 7,000 में तय हुआ तो 2,000 रुपया 2 तारीख को ले लिया था और 5,000 रुपया आज। हमारे फरियादी है रोहिणी प्रसाद पटेल, ये बहरी के निवासी है। इनकी पत्नी के नाम अपील प्रकरण एडीएम कोर्ट कटनी में चल रहा है। एडीएम कोर्ट में पेशी लगी हुई थी, अपील खारिज करने के यहाँ पदस्थ है सहायक ग्रेड 3 दिनेश कुमार खरे। इनके द्वारा इनसे 5,000 रुपये की डिमांड की गई थी। आज हमने दिनेश कुमार खरे के कहने पर यहाँ पदस्थ भ्रत है श्री गणेश पिल्लई, इनको हमने 5,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए पकड़ा है। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।